ग्रामीण क्षेत्रों में भूकंप रोधी तकनीक से घर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से घर बनाने वाले मिस्त्रियों सहित कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। सोलन में राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद द्वारा पहली बार 3 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से मिस्त्रियों सहित संबंधित कार्य से जुड़े करीब 30 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से चली इस कार्यशाला में संबंधित वैज्ञानिकों ने मिस्त्रियों को भूकंप रोधी तकनीक से घर बनाने की बारीक से बारीक जानकारी दी, ताकि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में घर को पूरी सावधानी से बनाया जाए। ये जो मॉड्यूल है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मॉड्यूल है। यह जो ट्रेनिंग है 3 दिन ये प्रोग्राम है। जो सोलन ब्लॉक के जो मिस्त्रीज हैं इनको लेक्चर दिए, प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं और इनको जो लेक्चर भी दे रहे हैं, जो ये अच्छी तरह ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन पे जो है इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये जो है आगे इस ट्रेनिंग को गांव में जाके जो है यूज़ कर सकें, लोगों को पता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस जो मकान होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। सरकार की तरफ से इन लोगों को जो है एक जो जब भी मिस्त्री काम में लिए जाएंगे तो इन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी जो ये ट्रेंड होंगे, और बाद में जो है पूरे हिमाचल में जो है हम सारे ब्लॉकों के ऑल पंचायत के एक पंचायत से जो है 5 मिस्त्री को ट्रेंड करेंगे और इसमें सारा हिमाचल के ब्लॉक कंप्लीट किए जाएंगे। इसका मोटिव ये है कि जैसे फ्लड्स आते रहते हैं, फ्लड्स है अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो कम से कम जो जान माल का नुकसान बहुत कम हो, इसलिए हम इनको ट्रेंड किया जा रहा है। मैं लगातार 19 साल से मेसन का काम कर रहा हूँ, परंतु जो टेक्निक हमें यहाँ सीखने को मिली है वो कहीं नहीं मिली। सबसे पहले तो अर्थक्वेक के बारे में हमारे को बताया गया कि आता कैसे है, किस लिए इससे जान माल की नुकसान होता है, और बिल्डिंग की कमजोरी कहाँ से निर्भर करती है, बेसमेंट से निर्भर करती है। हमारा मानना है जो यहाँ टेक्नीशियन हमारे को बता रहे हैं, इससे बढ़कर 19 साल के एक्सपीरियंस में ये चीज़ कभी नहीं मिली। ये मात्र 6 दिन का ही प्रोग्राम रखा गया है। मैं कहता हूँ अगर एक ऐसे ही प्रोग्राम कोई 10 दिन या 1 महीने की ट्रेड भी हो तो उसके लिए हम अवेलेबल रहेंगे हमेशा ही। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं ग्राम पंचायत ओकीबेट से गाँव शील से आया हूँ, और यहाँ जो ट्रेनिंग हमारी हुई है उससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उससे जैसे भूकंप से नुकसान होते हैं उसके बारे में सब बता रहे हैं, बिल्डिंग में कैसे मटेरियल यूज़ करना, क्या सरिया वगैरह, उसको हमारे से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और वो हम सीख रहे हैं। अर्थ प्रकाश के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।